अब हम अगला एग्जांपल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो है ही नहीं, तो फ्यूचर परफेक्ट पे आते हैं, वो तो होता नहीं। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या हम बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल, द डॉक्टर शैल हैव एग्जामिन्ड 10 पेशेंट बाय नाउ। देखिए, द डॉक्टर शैल हैव एग्जामिन्ड 10 पेशेंट्स बाय नाउ। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, द डॉक्टर शैल हैव एग्जामिन्ड 10 पेशेंट। एग्जामिन मतलब परीक्षा लेना, यहाँ परीक्षा लेना नहीं, चेकअप करना। द डॉक्टर शैल हैव चेकड अप 10 पेशेंट बाय नाउ, एग्जामिन्ड 10 पेशेंट। सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर। ऑब्जेक्ट क्या है, 10 पेशेंट। वर्ब क्या है, एग्जामिन। तो हम इसको अब पैसिव बनाएं, 10 पेशेंट्स will have been examined by doctor. 10 patients will have been examined by doctor by now, by 10 o'clock. So, इस प्रकार we are trying to understand, or the difference between active voice, passive voice, how to make active voice, passive voice, what is an object, what is a subject, what is a voice. Let's move to the next one now, and let's see ki pronoun ke liye abhi jaise humne dekha tense mein alag alag situation mein kaise banta hai, ab hum pronoun pe dekhe ki pronoun mein active ko passive kaise badalte hain. Bahut simple tarika, maine abhi aapko bataya, kuch udaharan diya aapko. और जैसा मैंने कहा कि शी, हर, हर का शी हो गया या शी का हर हो गया, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, ऐसे ही दे का देम। यहाँ पे थोड़ा देखें एक अगेन चार्ट के माध्यम से कि देखिए, आई, मी, यू, आई का क्या हो जाता है, मी। आई को एक्टिव से पैसिव जब करें तो मी, कैसे, एग्जांपल, आई एट एप्पल, एप्पल वॉज ईटन बाय मी, तो आई क्या हो गया, मी। ऐसे ही यू, यू ही रहता, यू ब्रॉट पेन, पैसिव क्या होगा, पेन वॉज ब्रॉट बाय यू, पेन तुम्हारे द्वारा लाया गया था, इतना बड़ा अनुवाद हुआ। उसी को बड़े सिंपल तरीके से एक्टिव में कहते हैं, तुमने पेन लाया, तुमने पेन लाया, और घुमावदार तरीके से पेन तुम्हारे द्वारा लाया गया था। पर अंतर क्या है, पेन तुम्हारे द्वारा लाया गया था का मतलब ये हुआ, मैं जोर दे रहा हूँ पेन, पेन लाया गया था, क्या लाया गया था, पेन लाया गया था, जोर है हमारा पेन पर, जो शुरू में है ऑब्जेक्ट उस पर हमारा जोर है। सो आई रिमेन्स मी, आई बिकम्स मी व्हेन यू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव, यू बिकम्स रिमेन्स यू व्हेन यू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव, और उल्टा भी, when you convert passive into active, so me becomes I, ye yaad rakhiye, you becomes you only, we in active becomes us in passive, we are driving the train, we are pulling the door, we are pulling the door, the door is क्यों हुआ, क्योंकि door एक वचन है। are pulling में are क्यों था बहुवचन, क्योंकि बहुवचन क्या है, we, तो यहाँ पे verb जो है वो किसके लिए हो रहा है, door के लिए, तो door is being pulled by, we का क्या बनेगा, s, us, the door is being pulled by us, और दे का देम, इट का इट, इट विल रिमेन एज इट इज,
यू रिमेन्स एज इट इज बट दे बिकम्स देम या देम बिकम्स दे. पैसिव टू एक्टिव में देम्स बिकम दे. द बुक्स आर बींग ब्रॉड बाय देम. ये पैसिव वॉइस. द बुक्स आर बींग ब्रॉड बाय देम. अब इसको एक्टिव में कन्वर्ट करें तो बाय देम जो है वो शुरू में आ जाएगा और देम बदल के क्या होगा, दे. दे आर ब्रिंगिंग बुक्स. शुरू में ऑब्जेक्ट क्या था, बुक्स. वो ऑब्जेक्ट आखिरी में चला जाएगा तो बुक्स आखिरी में और दे. हाँ, वेरी सिंपल. दे आर ब्रिंगिंग बुक्स. बुक्स आर बींग ब्रॉड बाय देम. सो आपको याद रखना है कि प्रोनाउन जब चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव तो प्रोनाउन में क्या चेंज होता है. सिमिलरली इट जो है वो इट ही रहता है, जैसे यू जो है वो यू ही रहता. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, प्रोनाउन नंबर एंड द पर्सन टेबल. ये क्या है, व्हाट इज द प्रोनाउन नंबर एंड पर्सन टेबल. फॉर एग्जांपल, सी द चार्ट अगेन. यदि सिंगुलर है तो आई के साथ एम, यू के साथ आर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. ही और शी के साथ इज. ऐसे नाम हो तो इज. ये याद करने की चीज नहीं है, याद नहीं करिएगा इसको. पहली बात तो मैं बता दूं, ये चार्ट को देखकर याद नहीं करना है, समझना है और लाउड रीडिंग करना. आप यदि लाउड रीडिंग करेंगे इसकी तो बहुत जल्दी ये सब समझ जाएंगे और आपकी जुबान पे बैठ जाएगा. भाई जोर से आप एक गाना याद करते हैं और उस गाने को आप जोर से सुनते हैं, गाने में यदि कुछ लाइन बदल गई, म्यूजिक बदल गया तो आपको खटकता है क्योंकि आपने जोर से उसको सुना है. जब जोर से सुना है तो वो आपके दिमाग में गया है और इसमें कुछ बदलाव जो है वो आपको खटकता है. तो ऐसे ही यदि आपने जोर से पढ़ा इन वाक्यों को और अपने दिमाग में जोर से बार बार पढ़ के उसके दिमाग के अंदर भर दिया तो यदि कुछ गलत आप बोलेंगे बाद में तो आपको खटकेगा और आप खुद ही सुधार लेंगे. इन अदर वर्ड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ए ग्रेट सीक्रेट ऑफ डूइंग वेल इन लर्निंग इज लाउड रीडिंग, नॉट रीडिंग अलोन. रीडिंग इज ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट बट लाउड रीडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. द लाउडर यू रीड द बेटर विल बी योर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रैस्पिंग. तो जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ोगे तो गलतियाँ खुद ही निकाल लोगे. आई के साथ यदि मैं बोलूँ आई इज गोइंग या बोलूँ आई आर गोइंग, आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल आपको लग रहा है कि कुछ तो गलत है, भले आप बता ना पाएं और आप बोलेंगे आई एम लगेगा. क्यों आपको नहीं मालूम लेकिन आई एम होगा. तो इसलिए ये इसलिए क्योंकि आपने आई एम कहते हुए बहुत लोगों को सुना है. पढ़ा कितना है ये नहीं मालूम पर सुना बहुत लोगों को है आपने आई एम कहते हुए. तो आप समझ गए हैं कि आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम. तो आई के साथ एम, यू के साथ वैसे ही आर हमेशा, ही शी के साथ इट इज, और पर्सनल नाउन है यदि नाउन है जॉन मोहन सोहन सारा तो इज क्योंकि एक वचन है. यदि प्लूरल है तब क्या होता, बहुवचन हो तो क्या होगा. सिंगुलर का तो ये हो गया आई सिंगुलर यू सिंगुलर, उसके बाद ही शी इट सिंगुलर और नाम भी हैं तो वो सिंगुलर, तो उसमें तो आपको मालूम हो गया. अब यदि बहुवचन है तो बहुवचन में प्लूरल में वी बिकम्स, वी के साथ आता है आर. वी आर गोइंग, वी इज गोइंग नहीं, वी आर गोइंग. यू के साथ आर, ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में यू के साथ आर रहता है. आपको याद है ऊपर सिंगुलर में देखिए सिंगुलर में भी यू के साथ आर, ऐसे प्लूरल में भी यू के साथ आर और दे के साथ भी
आर रहता है, देव बहुवचन इज का आर हो जाता है। जॉन सारा एक वचन है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो दे बहुत सारे लोग हैं, दे के साथ आर हो जाता है। ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड द रिलेशन बिटवीन नंबर, वॉइस एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, कन्वर्शन। वी हैव स्टडीड, हमने समझने की कोशिश की है काफ़ी गहराई में कि एक्टिव वॉइस क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, पैसिव वॉइस क्या है और क्यों इम्पॉर्टेंट है, और उसको बदलते कैसे हैं। बहुत बार देखा है कि एक्टिव से पैसिव करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन पैसिव सेंटेंस जब देते हैं और एग्जामिनर पूछता है उसको एक्टिव सेंटेंस में बदलो तो तकलीफ होती है। और वो इसलिए क्योंकि हमने हमेशा प्रैक्टिस एक्टिव से पैसिव की है, और शायद इसलिए भी क्योंकि पैसिव में बहुत कम बार बोलते हैं, अधिकतर जो बातचीत होती है वो एक्टिव में होती है। सो वी फाइंड एट टाइम्स डिफिकल्ट टू कन्वर्ट पैसिव इनटू एक्टिव, एंड सो द बेस्ट वे टू मास्टर दिस ट्रिक ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस, द बेस्ट वे इज टू डू स्टिल मोर एक्सरसाइजेस एज मच एज वी कैन। सो हियर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल दैट वी हैव, एंड वील कंटिन्यू कीप डूइंग फॉर अ सफिशियंट लेंथ ऑफ टाइम, सो दैट बिफोर यू क्लोज वॉइस यू हैव रियली मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, and also from passive to active in all three tense formations. So let's do few more. First is, as you see, present simple. You have tense here, then you have active, and then you have passive. Tense, active, passive. Okay? First tense is what? Present simple. Present simple में का वाक्य क्या है? एक I do my homework. I do my homework. Do जो है वो present है, V1. Tense formation में. Object क्या है? Homework. I क्या है? Subject. अब इसको passive में convert करना है तो आई क्या बन जाएगा? आई क्या बनेगा याद है? आई बन जाएगा मी, और आखिरी में चला जाएगा, और आखिरी में आई जाएगा और उसके पहले बाई लिख देंगे। ये नियम तो हम समझ गए, बाय मी। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है होमवर्क। होमवर्क is object, by me is subject, convert kiya, homework is done by me, homework is done by me, ye ho gaya present simple ka active to passive, right? Now let's move, present continuous ka active to passive. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक एग्जाम्पल इसी उसमें लें, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, एम इज हेल्पिंग वर्ब एंड V1 प्रेजेंट का है, और V1 प्लस ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। V1 प्लस ING या फर्स्ट फॉर्मेशन, V1 कहना गलत होगा सही तरीके से बोलने के लिए, फर्स्ट फॉर्मेशन प्लस ING इन द वर्ब, तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब इसमें फिर वही करिए, सबसे पहले पैसिव में यदि जाना है तो पहले आप माई होमवर्क को शुरू में लाएंगे,
एक्टिव को पैसिव में करने के लिए बाय मी को आखिरी में लिखेंगे और उसके बाद माय होमवर्क इज बीइंग डन बाय मी इज बीइंग डन राइट. थर्ड कैटेगरी, अब हम आते हैं पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल में चलिए हम एक्टिव टू पैसिव ना करके हम पैसिव टू एक्टिव करते हैं. तो पास्ट सिंपल में पैसिव वाक्य क्या हम बनाएं, तो पैसिव हम बनाते हैं माय होमवर्क इज डन. इसमें ये पैसिव क्यों है ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें जोर किस पर है, कार्य पर है, माय होमवर्क. माय होमवर्क इज डन बाय मी, ये है सेंटेंस. माय होमवर्क इज डन बाय मी. बाय मी, बाय के बाद जो आया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो जब पैसिव से एक्टिव हुआ बनाना है तो मी क्या हो जाएगा, आई. याद है ना आपको, तो आई डिड माय होमवर्क, आई डिड माय होमवर्क. एम आई क्लियर, माय होमवर्क वॉज डन. यहां क्या आ गया, एक्टिव में आपने कन्वर्ट किया तो आई डिड माय होमवर्क. माय होमवर्क डन वॉज डन बाय मी. बाय मी को आप छुपा भी सकते हैं. चलिए अगले सेंटेंस में हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव क्या है, हम पैसिव से एक्टिव बनाते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव क्या है, माय होमवर्क वॉज बींग डन. माय होमवर्क वॉज बींग डन. आपको पैसिव वॉइस की खासियत बताई गई थी कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, एक्शन पहले आता है. तो एक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क. एक्टर नहीं है, एक्टर बाद में, और यह एक्टर नहीं भी है. इस सेंटेंस में एक्टर नहीं है, इस सेंटेंस में एक्टर नहीं है. अब एक्टर नहीं है लेकिन आप इस सेंटेंस से समझ सकते हैं कि एक्टर कौन है. माय होमवर्क वॉज बींग डन. आगे आप लिखिए बाय मी. सो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया. और जो टेंस फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखिए, जैसा बताया गया आपको वैसा. सो पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस में आपने लिखा माई होमवर्क वॉज बींग डन, और आपको पूछा गया है कि इसको एक्टिव में बदलो, तो आपने कहा आई वॉज डूइंग माय होमवर्क. राइट, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड टेंस फॉर्मेशन. व्हाट इज द थर्ड टेंस फॉर्मेशन, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में लेट अस डू एक्टिव, नोट डाउन द एक्टिव सेंटेंस. आई हैव डन माय होमवर्क. ये परफेक्ट क्यों है, परफेक्ट में क्या रहता है, काम पूरा हो जाता है, पूरा जो आई हैव डन माय होमवर्क, काम पूरा हो गया. और साथ ही परफेक्ट सेंटेंस में, और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव क्या है, हैव में प्रेजेंट है वी वन, डन क्या है वी थ्री. तो आई हैव डन माई होमवर्क इज पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट. अब इसको हमको पैसिव में बदलना है. माई होमवर्क तो पहले लिख दिया, बाय मी को आखिरी में लिख दीजिए. अब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को बदलने के लिए ये जो तरीका है, देखिए यहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा, माई होमवर्क हैज बीन डन. क्या हुआ, हैज बीन डन.
माय होम वर्क हैज बीन डन बाय मी. क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. पास्ट परफेक्ट. आई हैड डन माय होम वर्क. और अंतर केवल क्या है, हैव की जगह हैड हो गया. तो पैसिव वॉइस में भी आप देखिए, द वर्क हैड बीन डन बाय मी. माय होम वर्क हैड बीन डन बाय मी. सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. और अब यदि दोनों को आप तुलना करके देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, तो जो चीज़ें हमने सीखी हैं ऐसा लगेगा वो दिमाग में बार बार आ रही हैं. क्या हमने सीखा? अब एक्टिव में सब्जेक्ट पहले होता है, पैसिव में सब्जेक्ट बाद में होता है, और ऑब्जेक्ट पहले होता है. एक्टिव में एक्टर पर जोर है, एक्टिव में एक्टर पर जोर है, आई 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 आई, और पैसिव में एक्शन पर जोर है, वर्क पे जोर है. ये स्ट्रेट सेंटेंसेस लग रहे हैं, वो थोड़े से घुमावदार. मेरे द्वारा किया गया, मेरे द्वारा कराया गया, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मेरे द्वारा किया जा रहा था, गृह कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था. ये द्वारा 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 जो हो रहा, ये पैसिव है. और कई बार मेरे द्वारा बोलने की जरूरत नहीं है. मैनी अ टाइम यू कैन डू विदाउट इट. सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड वन सेट ऑफ एक्सरसाइज अंडर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. नाउ लेट्स कम टू द फ्यूचर वन. फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में जो सेंटेंस बनेगा, आई विल डू माई होमवर्क. आई विल डू माई होमवर्क. पैसिव क्या होगा? अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि केवल विल जुड़ा है. बस आई डू माई होमवर्क हमने किया था प्रेजेंट में, यहाँ पे केवल विल जुड़ा है. तो माई वर्क विल बी डन बाय मी. माई होमवर्क विल बी डन. इसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस होता ही नहीं है. फ्यूचर पर बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि बहुत सीमाएं हैं. एंड इफ यू शुड कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ओनली ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, दैट शुड बी इनफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉइसेस, बोथ एक्टिव एंड पैसिव. वील डू अगेन अनदर राउंड ऑफ एक्सरसाइज दैट वी मे हैव. चलिए अब हम आज लास्ट एक्सरसाइज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे करते हैं कि कैसे. अभी पर हमने देखा कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं और पैसिव को एक्टिव में बदलते हैं. हमने ये भी जाना कि कब हम एक्टिव वॉइस का उपयोग करते हैं और कब पैसिव वॉइस में बोला जाता है. एंड वी ऑल्सो लर्न ए टिप ऑफ हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. लेट्स डू वन फ्यू स्मॉल sentences again and then we close up with active voice with the hope that you have understood both active voice and passive voice and voice formation. So the first sentence that here is, he writes a letter. Very simple sentence. He writes a letter. Now as is this, we can be quick to understand, letter shifts to the first place. He becomes him by him. So letter in the first place, by him the last, and with that now we fill in with the appropriate verb formation, and that is written by. Say is written by because it's present. So a letter is written by him. The second is, he does not write a letter.
Now look at this sentence carefully. It is negative. Negative means we have used not. He does not write a letter. So again, it's very simple. Bring a letter right at the front and take the subject to the last. And in between is not written by. A letter is not written by him. He becomes him, as I said. So similarly, now we come to the third. He wrote a letter. Now wrote is a past. Wrote is second form of verb. So when you have second form of verb, when you convert active into passive, you have to go for the second form, the past. And that is what is done here. He wrote a letter. A letter was written by him. Because it is wrote here, so was written. If write here, so is written. So now we have a comparative understanding. And I am sure that we are better placed. Ab hum nishchit roop se behtar samajh rahe honge aur ab to lagbhag isme kafi pakad aa gayi hogi. The next sentence that he does not write a letter. We have done it. Now the sentence is he did not write a letter. He did not write a letter. Negative, but in the past. So you see, the only change that will come here when you compare is with is becomes was. A letter was not written. A letter was not written by him. Not written, because it's in the negative. A letter was not written by him. As I said, he becomes him. Now we come to the next one. That's something we have not done, but you will find it equally easy. That's what we call as future tense. He will write a letter. And in this, when it is will becomes will be. And of course, in passive, remember, one thing you have seen always the third form of verb is used. What is used? Always the third form of verb is used in passive voice. Go, went, gone. Gone is the third form. Aap aankh band karke keh dijiye, ye passive voice. Aur yadi wo present mein hai, first form mein hai, to ye active voice hai. Ye second mein hai, to active voice hai. It can be either first form or second form, which means it can be either past or present. But if it is in the third form, if the verb is in the third form, please note it is a passive voice. Yadi verb third form mein hai, to samajh lijiye passive hai. Keval helping verb jo hai, wo change hota rehta. Kabhi is hoga, yadi wo present tense ka tha active voice. Kabhi was hoga, yadi wo present tense ka tha active voice. Kabhi has been hoga, kabhi had been hoga. Kabhi is being hoga, kabhi was being hoga. But the main verb will be in the third form. So, badi saral cheez hai, bahut saral hai samajhna isko, ki, you know, present simple mein, yadi s hai ya nahi hai, to wo wahan par aakar is written ho jayega. Ya are written ho jayega. That's all. Third form aa jayega. Please note, मैं फिर से इस बात को आपको चेता रहा हूँ कि इतनी एक्सरसाइज जो हमने की है, इसमें आपने कुछ चीज़ देखी होंगी और एक बहुत अहम चीज़ थी कि सभी पैसिव वॉइस के वर्ब थर्ड फॉर्म में हैं और एक्टिव वॉइस के वर्ब फर्स्ट या सेकंड फॉर्म में हैं. तो आँख बंद करके आप कह सकते हैं, जहाँ भी आपने थर्ड फॉर्म देखा,
तो आप कह सकते हैं ये पैसिव वॉइस है, और बाई जुड़ गया तो पैसिव वॉइस तो निश्चित रूप से है, राइट। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ही विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, रिटन अगेन थर्ड फॉर्म, ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम थर्ड फॉर्म, ही इज राइटिंग ए लेटर कंटिन्यूअस फॉर्म, इट इज नॉट द फोर्थ फॉर्म, इट इज नॉट द फर्स्ट फॉर्म, इट इज नॉट द सेकेंड फॉर्म, इट इज द न्यू फॉर्म, नॉर इज इट अ फोर्थ फॉर्म, इट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म, ही इज राइटिंग ए लेटर, ए लेटर इज बींग रिटन बाय हिम, मैंने बताया ना आपको, इज बींग रिटन कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज बींग रिटन थर्ड फॉर्म, सो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई नाउ, एंड नाउ वी कम टू द लास्ट टू सेंटेंसेज, ही हैज रिटन ए लेटर एंड ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैज रिटन ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, एंड ही हैड रिटन ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, दैट्स करेक्ट। सो विद दिस वी कंक्लूड सर्टन पॉइंट, नंबर वन, एक्टिव वॉइस इज मच मोर सिंपल शॉर्ट, पैसिव वॉइस इज लॉन्गर, इट्स ए राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग समथिंग। सेकेंड इज, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। थर्ड, इन एक्टिव वॉइस द थ्रस्ट, द फोकस, द फोर्स, द प्रेशर इज ऑन, द होल अटेंशन इज ऑन सब्जेक्ट, while in passive voice the attention is on object, the thrust, right. Next point, that usually active voice is in first or second form of verb, but in passive voice it is always the third form of verb. And last that you can understand is that in object becomes subject in this, and the subject of active comes at the end, aakhri mein aata hai, aur object jo hai wo shuru mein aa jata hai, aur iske baad ek bindu, jab subject aakhri mein aata hai to uske pehle by rehta hai, by me, by you, by them, am I clear? So these are the five basic principles that govern कन्वर्जन ऑफ वॉइस, और उसके साथ ही कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई थी, जैसे हेल्पिंग वर्ब का रोल कैसे बदलता है, और उसके साथ ही आई क्या बन जाता है मी, ही क्या बन जाता है हिम, ये जो चेंजेस हैं दे आर माइनर बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बेसिक रूल ये हैं आपको ये समझने के लिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एंड सो होप यू हैव अंडरस्टूड the voice pattern, the voice practice, and more you practice the more you will understand the importance of passive voice also. Many a time it is written, khaaskar report likhna ho ya kuch aisi baatein karna ho tab, lekin direct jab baat karte hain to hum active voice mein karte hain, okay.